क्वेश्चन सिक्स, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ट्राइंगल. बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर. सो इफ वी ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, ठीक है, सो दिस इज दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 4. और ये तो राइट एंगल है. पहले हम नेम दे देते हैं इधर, ए बी सी एंड दिस इज डी. सो इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ? मैं ये ट्राइंगल की बात कर रही हूँ. सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर. सो ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर क्या है मेरा? 5 स्क्वेयर. ए डी स्क्वेयर मुझे फाइंड करना है क्योंकि एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए. और ये है मेरा 4 स्क्वेयर. सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर. सो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 एंड ए डी इज इक्वल टू 3. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो हाफ बेस हमारा क्या है? बेस है हमारा 8 इंटू हाइट हमारी क्या आई? 3. सो 2 4 8, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर आंसर. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हूज साइड इज 10 सेंटीमीटर. सो एस इज 10 सेंटीमीटर. देखो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूला याद कर लो, √3/4 एस स्क्वेयर, ठीक है. सो √3/4 इंटू 10 इंटू 10, 2 2 2 5 2 1 2 5. सो आंसर विल बी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स. ए पी एंड सी क्यू, यहाँ पे पी है एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर मतलब क्या? राइट एंगल. ओके, 90 डिग्री. इफ ए पी इज 9.6 एंड सी क्यू इज 6.8, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या हमें? 4 दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये डायगनल से देखूं तो ये मेरा ट्राइंगल 1 हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा ट्राइंगल 2 हो रहा है. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल को मैं प्लस कर दूंगी तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है आपका? हाफ इंटू बी डी इंटू ए पी. सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.6 इंटू 30. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? 4.8 एंड 4.8 इंटू 30 करेंगे तो आ रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सिमिलरली हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी में भी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? बी डी इंटू सी क्यू. सो हाफ
हाफ इंटू 6.8 इंटू बेस तो हमारा दोनों में सेम है, तो ये मेरा क्या हो गया 3.4 विच इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 102 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेडेड रीजन्स। इसमें ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसकी जगह पे अगर मैं ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो डायरेक्ट मुझे ये ट्राइंगल वन मिलेगा, ट्राइंगल टू मिलेगा और दोनों को फिर मैं प्लस कर दूंगी। अब बेस तो मेरा सेम है, देखो ये जो पी आर है, पी आर इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, मतलब वो 60 है। हाइट देखने जाओ तो ये रहा, तो ये मेरा हाइट मेरी क्या हो जाएगी 15, क्योंकि ये 30 है और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल फाइंड करेंगे, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ इंटू बी आर इंटू पी आर, ठीक है। तो बी आर क्या है, बी आर इज हाफ ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 विच इज इक्वल टू 15, और पी आर क्या है, पी आर इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। सिंपल ये इसमें सिंपल वैल्यूज रख दो, हाफ इंटू 15 इंटू 60, तो ये क्या हो गया मेरा 30 विच इज इक्वल टू व्हाट 450। ओके, ये सेम चीज नीचे है, सेम टू सेम है क्योंकि डायमेंशन सेम है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस इज इक्वल टू वॉट हाफ इंटू सी आर इंटू पी आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 450। सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 450 प्लस 450 विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 9 का सेकेंड, अब देखिए ये जो शेडेड है उसमें अगर हम ये पूरे ट्राइंगल को और बाद में माइनस ये जो रेक्टेंगल है उसको कर लेंगे तो हमको बाकी का रीजन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पूरा ट्राइंगल है वो फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू वॉट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब इसका बेस क्या है, बेस इज योर बी सी और हाइट क्या है, हाइट इज योर ए बी। सो हाफ इंटू बी सी क्या है, बी सी इज 8 एंड ए बी इज वॉट 3 प्लस 3 6, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों को मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 4 8, सो विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लूंगी, एरिया ऑफ एन एम पी बी विच इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। अब ये मेरा एल इंटू बी क्या है, 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरा क्या हो जाएगा,
24 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एरिया फाइंड करो, उसके बाद इसका फाइंड करो, इसका फाइंड करो, दोनों को माइनस कर दो बड़े से, तो आपको जो रिमेनिंग एरिया है वो जो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा क्या होगा, ये पूरा, ये मेरा है 80, लेंथ मेरी क्या है 80, ठीक है, और ये मेरा क्या है 50, सो 80 इंटू 50 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4000 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद मैं फाइंड करूंगी एरिया ऑफ, यहां पे मैं डाल देती हूं पी एन एम, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एम विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या है मेरा यहाँ पे बेस मैं ले लेती हूँ 30, कोई भी ले लो, या तो 25, और ये 315 जा, और ये 15 इंटू 25 मैं करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है 375 ठीक है। अब यहाँ पे भी ये बी तो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ई लिख देते हैं ई, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, मेरा कोई भी ले लो आप, 65 ले लो, इंटू 50 ले लो, और ये क्या होगा इधर 25, ठीक है, और 65 इंटू 25 अगर मैं करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है 1625। ओके, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरा क्या होगा, 4000 माइनस 1625 माइनस 375, सब मीटर स्क्वायर ही है, मतलब यूनिट में तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही यूनिट का है, सो विच इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर हु साइड ईच मेजर्स 35 सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वेयर विथ साइड 35। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या, बेस इज 28, मतलब हाफ इंटू 28 इंटू बेस इज इक्वल टू 35 इंटू 35, सो बेस इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 28, सो 2 14 जा, 7 2 जा, 7 5 जा, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 87.5। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।